गुड मॉर्निंग क्लास. सो नाउ इन द लास्ट टॉपिक वी हैव स्टडीड अबाउट द एनर्जीज इन अ स्टेडी फ्लो. फॉर एन आइडियल फ्लूइड और फॉर एन आइडियल फ्लो, थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जीज आर देयर व्हेन अ लिक्विड फ्लोज थ्रू अ पाइप. सो उसके अकॉर्डिंग जो थ्री एनर्जीज हैं, दोज आर काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड प्रेशर एनर्जी. और ये जो थ्री एनर्जीज हैं, इनको थ्री डिफरेंट फॉर्म्स में हमने लिखा है. वन इज़ पर यूनिट मास, देन पर यूनिट वेट एंड देन पर यूनिट वॉल्यूम. बिकॉज इन द नेक्स्ट टॉपिक बर्नौलीज प्रिंसिपल और बर्नौलीज इक्वेशन, वील यूज़ द थर्ड फॉर्म, दैट इज़ पर यूनिट वॉल्यूम. तो सबसे पहले तो हमें पता है कि बिकॉज ट्यूब से जो फ्लो हो रहा है, दैट ट्यूब हैज़ डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज, तो काइनेटिक एनर्जी है और उसमें डिफरेंस भी है. सेकेंड थिंग, जो ट्यूब है दैट इज़ इंक्लाइंड, तो रोल ऑफ ग्रेविटी इज ऑल्सो देयर, पोटेंशियल एनर्जी है. एंड थर्ड इज़ प्रेशर एनर्जी, बिकॉज प्रेशर इज इक्विवेलेंट, एनर्जी इज इक्विवेलेंट टू वर्क. और यहाँ प्रेशर एनर्जी इन द सेंस कि वर्क डन हो रहा है, या तो जो फ्लूड है दैट विल डू वर्क, या फिर फ्लूड पर वर्क किया जाएगा. तो इन थ्री एनर्जीज़ में जो पर यूनिट वॉल्यूम जिसका यूज़ होना है, उसको एक बार अगर रिकॉल कर लें, सो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है हाफ रो वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है रो जी एच, और प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम विल बी पी, कैपिटल पी, ओनली प्रेशर. सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द डायग्राम. मैंने डायग्राम के बारे में आपको बताया भी था, बट हियर डायग्राम इज गिवन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट स्टेटमेंट और यू कैन मेक द डायग्राम. तो यहाँ पर डायग्राम में दिखा रखा है कि वन ट्यूब इज़ देयर दैट हैज़ डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरियाज, वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और जो वाइड क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो नीचे की तरफ है, और उसको ए वन लिखा है यहाँ पर. तो वाइड क्रॉस सेक्शनल एरिया पर आपको पता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के अकॉर्डिंग जो लिक्विड का फ्लो है, जो वेलोसिटी है दैट विल बी लेस, और जब वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होगी, और जो नैरो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उस पर वेलोसिटी हाई होगी और काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी. तो ये जो ट्यूब है ए बी इसके एंड्स हैं, तो ए वाले एंड पर काइनेटिक एनर्जी कम है और बी वाले एंड पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है. इसी तरह से ए वाले एंड पर हाइट भी कम है, इंक्लाइंड ट्यूब है, ग्रेविटी और हाइट का इफेक्ट है, तो ए वाले एंड पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, लेस, और बी वाले एंड पर पोटेंशियल एनर्जी हाई होगी. थर्ड थिंग इज़ प्रेशर, तो दोनों साइड डिफरेंट प्रेशर भी है. ए वाले एंड पर प्रेशर पी वन है और बी वाले एंड पर प्रेशर पी टू है. ए वाले एंड से लिक्विड एंटर कर रहा है, बी वाले एंड से लिक्विड लीव आउट करेगा. तो ए वाले एंड पर विल से वर्क डन ऑन द लिक्विड, और बी वाले एंड पर होगा वर्क डन बाय द लिक्विड. ओके, सो यहाँ पर वर्क डन ऑन द लिक्विड विल बी ग्रेटर देन वर्क डन बाय द लिक्विड, क्योंकि ज़्यादा काम करना पड़ेगा जब हम वर्क डन ऑन द थिंग, क्योंकि उसमें वर्क करना पड़ रहा है. जब वर्क डन बाय द थिंग होता है तो ऑलरेडी हो रहा है, उसमें ज़्यादा वर्क नहीं होता है, इसलिए यहाँ लिखा है पी वन इज़ ग्रेटर देन पी टू. ओके, सो नाउ हम स्टार्ट करेंगे बर्नौलीज इक्वेशन को स्टेटमेंट से. सो यस्टरडे आई टोल्ड यू दैट इट स्टेट्स दैट द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फॉर एन आइडियल फ्लूइड रिमेंस कॉन्स्टेंट. ये स्टेटमेंट उसी सीक्वेंस में है जिस सीक्वेंस में आपको फॉर्मूला लिखना है. वो फॉर्मूला ठीक इसके स्टेटमेंट के नीचे लिखना है, पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू क्या होगा, कॉन्स्टेंट. तो ये आपका रिलेशन है और सीक्वेंस का हमेशा याद ध्यान रखिएगा. सो ये पर यूनिट वॉल्यूम है और आइडियल फ्लूइड के लिए होता है, गैप में यू विल राइट द रिलेशन. उसके बाद स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम से. तो डायग्राम में जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, द सेम थिंग्स यू हैव टू राइट हियर. लेट अ नॉन विस्कस एंड इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड flowing steadily between the sections A and B of a pipe of varying cross-sectional area. तो आपको पता है इसका cross-sectional area अलग अलग है, vary कर रहा है. और let A1 be the area of the cross-section at A,
ए वाले पॉइंट पर जो जितने भी पैरामीटर्स हैं सबको बता दिया, वी वन फ्लूड वेलोसिटी, पी वन फ्लूड प्रेशर एंड एच वन हाइट। इसी तरह से बी वाले एंड पर लेट ए टू वी टू पी टू एंड एच टू विद द वैल्यूज ऑफ द करस्पॉन्डिंग क्वान्टिटीज एट बी। तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की स्टार्टिंग यहीं से होती है, देन मास ऑफ द लिक्विड एंटर्स एट ए इज इक्वल टू द मास ऑफ द लिक्विड लीव्स एट बी। दोनों जगह पे क्या सेम होगा, मास। कंजर्वेशन ऑफ मास की एक फॉर्म होती है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये दो स्टेप्स इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के ही हैं। आपको पता है कि सबसे पहले मास को हमने लिखा तो एम इज इक्वल टू ए वन वी वन डेल्टा टी रो। ये कैसे आया है ये भी एक्सप्लेन्ड है कि मास का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, फिर वॉल्यूम को ब्रेक किया है एरिया इंटू लेंथ में, और लेंथ यानी कि डिस्टेंस का मतलब होगा वेलोसिटी इंटू टाइम। तो एंड ए पर वेलोसिटी वी वन है और टाइम दोनों साइड इक्वल लिया जाता है डेल्टा टी इंटू रो। दिस सिंबल इज नॉट पी, इट इज़ रो। तो फर्स्ट वाले एंड के लिए ए वन वी वन डेल्टा टी रो और सेकेंड वाले के लिए ए टू वी टू डेल्टा टी रो, दोनों किसके इक्वल हैं, मास के। इक्वेशन नंबर वन। तो इस इक्वेशन को हमें वन लिखना है, इट इज़ कंपल्सरी, क्योंकि ये मैं सोचेगा दोनों साइड से डेल्टा टी रो को कैंसिल करने के बाद ये इक्वेशन वन होगी, क्योंकि हमें पता है कंटिन्यूटी की फाइनल जो फॉर्म है वो यही है। इक्वेशन नंबर टू है ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन का आके यूज़ होना है तो उसको फर्स्ट लिखेंगे। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन में दोनों साइड डेल्टा टी रो कैंसिल हो जाता है, देन दिस इज सेकेंड इक्वेशन जो कंटिन्यूटी होती है। डायरेक्ट हम ये नहीं लिख सकते बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इसको थोड़ा सा ड्राइव करके दिखाना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं, तो आपको तीन चीज़ें फाइंड करनी होंगी, क्योंकि जो चेंजेस हो रहे हैं वो लिखने हैं। एक तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है, एक पोटेंशियल में, और एक प्रेशर एनर्जी यानी कि वर्क डन। तो सबसे पहले आपने लिखा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, जिसका सिंबल है डेल्टा के। तो काइनेटिक एनर्जी कहाँ ज़्यादा है, बी एंड पर। तो काइनेटिक एनर्जी एट बी माइनस काइनेटिक एनर्जी एट ए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर, दोनों एंड्स को के लिए वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट कर दिया है, मास कॉमन है। फिर देखिए ये चेंज जो मैंने आपको बताया था इक्वेशन वन इम्पॉर्टेंट है। तो इक्वेशन वन का क्या रोल है यहाँ पर, मास। ये जो टर्म आ रहा है आपका यहाँ मास, तो मास की दो वैल्यूज हैं आपके पास, या तो मास की जगह आप लिख सकते हैं ए वन वी वन डेल्टा टी रो या फिर ए टू वी टू डेल्टा टी रो। तो हर एक जगह मास की जगह पे वन वाली वैल्यू पुट करना है, ठीक है। तो देखिए हाफ एज इट इज़ है और मास की जगह क्या लिखा है, ए वन वी वन डेल्टा टी रो, बाकी आगे की जो ब्रैकेट है वो एज इट इज़। ये आपको सॉल्व करके छोड़ देना है, इसको हम आगे यूज़ करेंगे डेल्टा की डेल्टा के एज इट इज़। उसके बाद आता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये भी आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी भी कहाँ ज़्यादा है, बी बी एंड पर। सिंबल क्या होगा, डेल्टा यू। फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच। तो यहाँ एच टू माइनस एच वन लिखना होगा, यहाँ भी बिल्कुल वही करना है, मास को किससे रिप्लेस करना है, वन वाली वैल्यू से। तो ए वन वी वन डेल्टा टी रो, और आगे जो लिखा है वो एज इट इज़ है, जी ब्रैकेट के अंदर एच टू माइनस एच वन, इसको भी लीव कर देना है। ये डेल्टा यू की वैल्यू है, सारी वैल्यूज़ आपको आगे यूज़ करनी होंगी। थर्ड हमें क्या फाइंड करना है, प्रेशर एनर्जी यानी कि वर्क डन। तो इसमें याद रखिएगा, नेट वर्क डन फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया वर्क डन कहाँ ज़्यादा करना पड़ रहा है, ए वाले एंड पर। तो नेट वर्क डन का फॉर्मूला बना, वर्क डन ऑन द फ्लूइड एट ए माइनस वर्क डन बाय द फ्लूइड एट बी। अब वर्क डन या प्रेशर एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा है प्रेशर इंटू वॉल्यूम, और प्रेशर इंटू वॉल्यूम को ब्रेक करेंगे एरिया इंटू लेंथ में, और लेंथ की वैल्यू लगानी है वेलोसिटी इंटू टाइम। तो ये सारे जो चेंजेस हैं ये आपको थोड़े से याद रखने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर फॉर्मूला बन जाता है प्रेशर इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी इंटू डेल्टा टी। तो जैसा कि सीक्वेंस है, कौन सी बड़ी वैल्यू है कौन सी छोटी है, उसके अकॉर्डिंग आपने पुट कर दिया, पी वन ए वन वी वन डेल्टा टी माइनस पी टू ए टू वी टू डेल्टा टी। अब आपको क्या करना है, देखिए इसमें एक जगह ए वन वी वन आ रहा है पहले टर्म में, दूसरे में ए टू वी टू आ रहा है। तो क्योंकि आपको इसमें कॉमन लेना, पीछे भी देखा आपने बहुत सी चीज़ें कॉमन आ रही हैं और वन वाली कॉमन आ रही हैं, तो यहाँ पर आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की सेकेंड, जो अभी हम पीछे करके आए ना, सेकेंड वाला जो इक्वेशन है हमारा,
ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, उसको यहाँ पर यूज़ करना है। तो यहाँ पर जो आपका ए टू वी टू आ रहा है इसको आप रिप्लेस कर देंगे ए वन वी वन से। तो नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या चेंज है। पहला वाला टर्म ऐसे ही लिखा है पी वन ए वन वी वन डेल्टा टी माइनस दूसरे टर्म में ए टू वी टू को क्या लिख दिया है ए वन वी वन फ्रॉम इक्वेशन टू। तो पी टू ए वन वी वन डेल्टा टी, क्योंकि अब हम इससे क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ क्या कॉमन ले लिया है ए वन वी वन डेल्टा टी, ब्रैकेट के अंदर क्या आता है पी वन माइनस पी टू। अब हमने क्या किया है, ये तीन चीज़ें हम फाइंड कर चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी में चेंज, पोटेंशियल में चेंज और प्रेशर में चेंज। अब हमने यूज़ किया कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग नेट वर्क डन, जो हमने नेट वर्क डन किया उससे क्या हुआ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दोनों चीज़ें। तो नेट वर्क डन किसके इक्वल होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि नेट वर्क डन यानी कि जो रिलेशन आपने अभी ड्राइव किया था वो लेफ्ट साइड आया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट पुट कर दिया प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को डायरेक्ट पुट कर दिया। ठीक है, बस सारी वैल्यूज़ लिखी हैं ऊपर वाले रिलेशन में। फिर आपको पता चल रहा है कि ए वन वी वन डेल्टा टी हर एक टर्म में आ रहा है, वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो रिमेनिंग जो बचता है वो ये है पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू हाफ रो, एक काम और किया है ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया है, तो हाफ रो से अंदर मल्टीप्लाई किया वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर में, उसी तरह से एच टू और एच वन के साथ भी। तो हाफ रो वी टू स्क्वायर माइनस हाफ रो वी वन स्क्वायर प्लस रो जी एच टू माइनस रो जी एच वन। फिर क्या किया है, सारे वन वाले जो टर्म्स हैं वो एक साइड कर लिए हैं, टू वाले एक साइड, पी वन प्लस हाफ रो वी वन स्क्वायर प्लस रो जी एच वन इज इक्वल टू पी टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर प्लस रो जी एच टू। फिर क्योंकि दोनों साइड वन और टू हैं, अगर हम सिंगल फॉर्म में लिखते हैं तो पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यही है आपकी बर्नौलीज इक्वेशन या बर्नौलीज प्रिंसिपल। फिर इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पर दे रखे हैं, जैसे बर्नौलीज थ्योरम जो है उसमें जो आपके तीन टर्म्स आ रहे हैं उन तीन टर्म्स में ये जो टर्म है आपका पी प्लस रो जी एच, तो ये टर्म कुल मिलाकर स्टैटिक है और जो हाफ रो वी स्क्वायर है वो टर्म शो कर रहा है मोशन को, डायनामिक है। तो पी प्लस रो जी एच जो है आपका, इसको यहाँ पर शो किया गया है पी प्लस रो जी एच लिखा, द टर्म पी प्लस रो जी एच इज कॉल्ड स्टैटिक प्रेशर, क्योंकि वो रुका हुआ रुकी हुई चीज़ों को शो कर रहा है, और टर्म हाफ रो वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है तो इट इज़ नोन एज डायनामिक प्रेशर। ठीक है, आपको ये लिखना है कि ये लिख दीजिएगा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ या फिर कंक्लूजन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो पहला पॉइंट आपका ये हो जाएगा कि द टर्म दिस इज कॉल्ड स्टैटिक प्रेशर एंड द टर्म दिस इज कॉल्ड डायनामिक प्रेशर। उसके बाद बर्नौलीज थ्योरम इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी, ये लिखेगा सेकेंड। थर्ड लिखेंगे, इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जो हेड्स मैंने बताए थे आपको, पी अपॉन रो जी प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू जी प्लस एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये सारे यानी कि हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ प्रेशर हेड वेलोसिटी हेड एंड पोटेंशियल हेड इज कॉन्स्टेंट। उसके बाद आते हैं लिमिटेशंस। तो लिमिटेशंस एक तो यही है आइडियल फ्लो होना चाहिए, तो आइडियल फ्लो के लिए आपको क्या करना है, स्टेडी ये लिख सकते हैं, स्टेडी इनकम्प्रेसिबल नो हीट ट्रांसफ़र, हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है माना जाता है लेकिन फिर भी जो भी चीज़ फ्लो में है मोशन में उसमें हीट ट्रांसफ़र ऑब्वियसली होगा। उसके अलावा स्ट्रीमलाइंड फ्लो होना चाहिए, रोटेशनल फ्लो है, ग्रेविटी और प्रेशर के अलावा और कोई भी फोर्स कंसिडर नहीं किए जाते हैं, ये लिमिटेशंस है, ये आपको नोट डाउन करना है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये जो आप थ्री तक पहुँचे थे ना इसके बाद एक पॉइंट को और इनक्रीज़ कर दीजिएगा यहाँ पर फोर नंबर डालकर, और वो पॉइंट ये है आपका कि इफ़ अ लिक्विड इज़ फ्लोइंग थ्रू अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब, ये जो आपकी बर्नौलीज रिलेशन आया ना पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अगर इसमें हॉरिजॉन्टल ट्यूब हो किसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा ग्रेविटी का, तो सिर्फ कौन से टर्म्स बचेंगे ये दो जो लास्ट में मैंने लिखे हैं पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग होगा कि प्रेशर और वेलोसिटी का सम कॉन्स्टेंट होता है, क्योंकि एप्लीकेशंस जो हैं बर्नौलीज थ्योरम के वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं कि कभी भी अगर प्रेशर इंक्रीज़ होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज़ होगी और वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी तो प्रेशर डिक्रीज़ होगा,
इससे पहले आप एरिया वेलोसिटी का रिलेशन, इनवर्स रिलेशन, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में स्टडी कर चुके हैं, लेकिन प्रेशर और वेलोसिटी का इनवर्स रिलेशन आपने स्टडी किया बर्नौलीज प्रिंसिपल में। तो ये जो लास्ट पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको स्टडी करना है प्रेशर और वेलोसिटी का रिलेशन। आगे हम इसी के एप्लीकेशन स्टडी करेंगे। ओके, सो हियर इट इज़ फिनिश्ड। थैंक यू।